आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती। नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हो जाइए सावधान, आपके लिए एक गुप्त संदेश लेकर आया हूँ। अगर आस पड़ोस में कोई ना हो, अगल बगल में कोई ना हो, तभी एक शांत जगह में बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आस पड़ोस में यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बड़ा ही खास है और आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है। वृश्चिक राशि वालों, आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि आज की यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है और बहुत कुछ खास होने वाला है। ऐसी घटना के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे जिन घटना से आप अभी तक अनजान हैं, ना समझ हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ग्रहों का एक साथ मिलनसार हो चुका है। ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है जो कि दोस्तों देखते ही देखते एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा और यह कांड के पीछे किसी अपनों का ही हाथ रहेगा, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि कोई अपना है, कोई आपके बहुत करीबी है, जो आपके बहुत नज़दीक हैं वही आपके साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कलियुग के इस दौर में कोई कितना ही किसी को आप अपना अपना कर लो, लेकिन अंत में वे अपना असलियत यानी कि वे अपना असली रूप दिखा ही देते हैं। तो क्यों ना हम समय रहते बदल जाएं और इनसे सावधान हो जाएं। लेकिन उससे पहले भगवान महादेव जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इससे भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर सदैव बना रहेगा और आपके जो भी बिगड़े काम हैं, अधूरे काम हैं, वो बहुत जल्द ही संपन्न हो जाएंगे। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष के जो ग्रह गोचर हैं, वे बार बार यह बात को लेकर संदेश दे रहे हैं और यही संकेत मिल रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की साझेदारी में कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में ज़रा सावधान रहिएगा। क्योंकि दोस्तों वे अपना असली रूप, वे अपना असली रंगत दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर साझेदारी में, पार्टनरशिप में जमीन जायदाद को लेकर कोई मामला है तो ज़रा अभी सावधान रहिएगा। क्योंकि दोस्तों जो है आपका दूसरा पार्टनर, वो मौका देखते ही चौका मारने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी एक छोटी सी सावधानी बहुत काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में और इस समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप इन खतरों से दूर रह सकें। दोस्तों पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। आपकी प्रतिभा तथा समताएं लोगों के सामने उजागर होगी। घर के नवीकरण संबंधित योजनाएं भी बनेगी और रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। इसके उपरांत देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि किसी भी नकारात्मक बात की वजह से मित्रों दोस्तों के बीच नाराजगी हो सकती है। किसी भी प्रकार की उधारी संबंधित अभी आप लेन देन ना करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान जय होने जैसी स्थिति बन रही है। विद्यार्थी, अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और पड़ोसियों के साथ जो है संबंध खराब ना होने दें, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, ध्यान रखें कि जरा सी गलतफहमी की वजह से नज़दीकी मित्रों या भाई के साथ संबंध खराब हो सकती हैं, तनाव हो सकती हैं और अपने ऊपर जो है हावी ना होने दें। इसका असर आपके कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। माइंड को हमेशा फ्रेश रखिएगा और अपने कामों में ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें तो अभी आपके लिए
अच्छा रहेगा। ग्रह स्थिति आपको यह संदेश दे रही है कि विपरीत योजनाओं संबंधित कामों पर अभी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह पाकर आप और अधिक जो है प्रगति में आगे बढ़ेंगे और किसी पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ मन मुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास अधिक भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको मिले कोई आपको सलाह दे तो आप उसे नहीं मानिएगा, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अनावश्यक खर्चे पर काबू पाना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंधी से भी महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें और किसी भी दुविधा में बुरी तरह से फंसने की स्थिति बन रही है जिसका असर परिवार की गतिविधियों में जो है पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों गतिविधियों में ही आप मस्त रहने की वजह से आप अपना नुकसान जो है कर बैठेंगे। आपको बताना चाहेंगे आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कभी कभी शंकालु स्वभाव आपके तथा अन्य लोगों के लिए दिक्कतें जो है उत्पन्न करा देता है। इसलिए अपने स्वभाव का आलोकन करें और जो है सुधार लाने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे किसी पर भी अभी आप भरोसा ना करें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों इस समय आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई पुराना जो है जायदाद संबंधित समस्याएं इस समय उठ सकती है, परंतु ध्यान देने की बजाय जो है समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें तो नजदीक बहुत जल्द ही आपके जो है वह काम बन सकती हैं। वहीं दोस्तों नजदीकी रिश्तेदारों में भी स्वार्थ की भावना अभी आ सकती है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस संबंधित नए जो है संपर्क बनेंगे और लाभ प्राप्ति के किए गए जो है अनुबंध विकसित होंगे। किसी नए काम की और शुरुआत होने की संभावनाएं बन रही है और वर्क की गतिविधियों में आप कुछ समय नज़रअंदाज नहीं करना है। बेहतर होगा सभी गतिविधियों अपनी निगरानी में ही करवाएं, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों कार्य क्षेत्र में जो है व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या रहेगी। अपनी गतिविधियों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर ना होने दें, कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। व्यवसायिक कार्य निकालने के लिए ऑफिस या बॉस आदि के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, यह संबंध आपके जो है लाभदायक रहेंगे। वही दोस्तों लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय परिवार के साथ मनोरंजन तथा हास परिहास में भी समय व्यतीत होगा, परंतु प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर रखें। किसी भी प्रकार की बदनामी असंभव है, जरा इस समय दूरी रहिएगा और सतर्क रहिएगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से भी अभी आप जो है दूरी बनाकर चलने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर बात करें तो यह समय वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना अति आवश्यक है। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से जो है